वेलकम एवं टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो हियर और आज इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये लोडर तो आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स जब लोड होती है मतलब वेबसाइट किसी भी वेबसाइट को आप खोलते हो तो उसके पहले बहुत बार वेबसाइट्स में ऐसा कुछ आपको दिखाई देता होगा तो उसकी मल्टीपल स्टाइल्स हो सकती है बट कुछ इस टाइप के भी लोडर्स आपको दिखाई देते होंगे तो ये लोडर आप कैसे बना सकते हो जस्ट यूजिंग एच टी एम एल एंड सी एस एस तो ये प्योर सी एस एस से हम बना रहे हैं इसके अंदर और कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी आप देख रहे हो कि कितने ब्यूटीफुल इसके कलर्स दिख रहे हैं और कितना अच्छा यह दिखाई दे रहा है ठीक है तो इसको हम देखेंगे और ये बहुत सिंपल है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको क्रिएट करने में ओके नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपने अभी तक uh, uh, 90 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए रजिस्टर नहीं किया हो uh, मैं उस पर वन आर की ट्रेनिंग कराऊंगी कैसे आप 90 डेज में एक जॉब पा सकते हैं तो उसके लिए प्लीज़ रजिस्टर कर लीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड लेट्स स्टार्ट दिस ओके okay, तो मैं जाऊंगा अपने वी एस कोड के अंदर फाइल स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल है सी एस एस के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस है ठीक है तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा लोडर ठीक है लोडर होगा उसके बाद यहाँ पर लिंक जो है मैं यहाँ पर फॉन्ट जो है वो लिंक कर दूँगा मुझे जो फॉन्ट लिंक करना है वो है मेरा ओपन सेंस तो ओपन सेंस का ये मैं लिंक कर दूंगा उसके बाद लिंक सी एस एस करूँगा सी एस एस स्टाइल सी एस एस ठीक है तो ये मेरा ऊपर हेड में हो जाएगा और गाइज इसका सबसे सिंपल हमारा अभी तक का बोल सकते हो आप कि एच टी एम एल होगा कंटेनर हम यहाँ पर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर सीधे सर्कल सर्कल यहाँ पर ले लेंगे सॉरी गाइज सर्कल यहाँ पर ले लेंगे ठीक है uh, सर्कल ये ले लेंगे, uh, लेंगे और इसके बाद हम्म हम्म इसके अंदर हम लेंगे स्पेन ठीक है नहीं सॉरी सर्कल के बाहर ही हम लेंगे स्पेन और स्पेन के अंदर हम लिखेंगे लोडिंग और तीन डॉट्स यहाँ पे लगा देंगे तो अब यहां पे मैंने लोडिंग लिखा हुआ है आप और कुछ भी लिख सकते हैं लाइक गेटिंग रेडी या फिर और कुछ भी लिख सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कोई दिक्कत नहीं तो इसका एच इतना ही रहेगा बहुत सिंपल कि आपको एच लग रहा होगा यहाँ पर बाकी वाकई में बहुत सिंपल एच टी अब सारा गेम जो है वो हम यहाँ पर करेंगे हमारे सी के अंदर तो सी एस एस में जाऊँगा सबसे पहले मैं बॉडी को टारगेट करूँगा बॉडी uh, ठीक है बॉडी को मैं यहाँ पे टारगेट करूंगा और बॉडी के अंदर सबसे पहले मार्जिन एक सेकेंड हाँ uh, मार्जिन क्या कर रहे हैं भाई मार्जिन ले लेंगे हम मार्जिन ज़ीरो हो जाएगी उसके बाद पैडिंग हम ले लेंगे पैडिंग भी जीरो हो जाएगी उसके बाद बैकग्राउंड बैकग्राउंड हम यहाँ पे ले लेंगे बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ले लेंगे वो जाएगा हैश ज़ीरो जीरो जीरो ठीक है बेसिकली हम यहाँ पे ब्लैक कलर लेना चाहते हैं और यहाँ पे ब्लैक कलर हम क्यों ले रहे हैं क्योंकि तो बैकग्राउंड पूरी बॉडी का आपने देखा होगा कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक है टैसवाई हम यहाँ पे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले रहे हैं ठीक है अब वो कितना क्लियर हुआ होगा हो इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे और फॉन्ट uh, फैमिली में लिखेंगे फॉन्ट फैमिली क्या होगी हमारी फॉन्ट फैमिली यार होगी हमारी ओपन uh, सेंस हमको लेना है ठीक है क्या हो रहा है आज ओके ओपन ओपन सेंस ठीक है और उसके बाद सेंस सेरिफ सेंस नहीं यानी 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 यानी, यानी, यानी इसको इधर हमें लिखना होगा ठीक है सेंस सेरिफ तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो होता है ये फॉल बैक फॉन्ट होता है आपको समझ में आया होगा कि फॉल बैक फॉन्ट क्या होता है फॉल बैक फॉन्ट बेसिकली ये होता है कि मान लो ओपन सेंस अप्लाई नहीं हुआ तो ये सेंस सेरिफ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा ठीक है तो बॉडी के बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा कंटेनर ओके अब कंटेनर के अंदर हम जाएंगे डिस्प्ले यहाँ पे कर देंगे और डिस्प्ले हो जाएगा फ्लेक्स ठीक है टेक्स्ट अलाइन uh, यहाँ दे देंगे टेक्स्ट लाइन हो जाएगा यहाँ पे सेंटर ठीक है और जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा सेंटर ठीक है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो जाएगा सेंटर हो जाएगा अलाइन आइटम्स हो जाएंगे सेंटर सेंटर ठीक है और हाइट यहाँ पे हो जाएगी 100 वी एच उसको करता हूँ सेव मैं यहाँ पे गो लाइव चले जाऊँगा ठीक है गो लाइव जाऊँगा तो मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अभी भी सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखेगी मैं उसको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ ठीक है तो ये तो हमारा कंटेनर हो गया अब हमको यहाँ पर सर्कल को क्रिएट करना है ठीक है तो मैं यहाँ पे डॉट सर्कल को लेता हूँ और सर्कल का पोजीशन जो है वो ले लूँगा मैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ठीक है विथ जो है वो हो जाएगी हमारी 200 हंड्रेड पिक्सल हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 200 हंड्रेड पिक्सल पिक्सल ठीक है बॉर्डर रेडियस रेडियस हमारा हो जाएगा 50 परसेंट ठीक है एनीमेशन हमारा हो जाएगा कितना सर्कल वन सेकेंड लीनियर और इनफाइनाइट ठीक है तो ये हमारा सर्कल हो जाएगा उसको मैं सेव करता हूँ बट अभी जो है चीज़ें क्लियरली आपको दिखाई नहीं देगी वो थोड़ा सा और हमें चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी उसके बाद क्लियरली दिखाई देगी ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एनिमेशन के बाद यहाँ पे मैं सर्कल में नीचे एट द रेट की फ्रेम ऐड कर दूँगा की फ्रेम्स ठीक है और वो होगा मेरा सर्कल ठीक है लेट मी क्विकली चेक इफ आई एम रॉटिंग एवरीथिंग करेक्ट ठीक है ठीक है एवरी थिंग इज़ करेक्ट है ना और यहाँ पे मैं ले लूँगा ज़ीरो परसेंट ज़ीरो परसेंट से हमें स्टार्ट करना है और ज़ीरो परसेंट पर स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है ट्रांसफॉर्म ओके ट्रांसफॉर्म पे क्या करना है मुझे इसको ज़ीरो डिग्री पे ट्रांसफॉर्म करना है ठीक है तो ये ज़ीरो डिग्री पे ट्रांसफॉर्म करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे लेनी है बॉक्स शेडो बॉक्स शेडो ले लूंगा मैं वन पिक्सल फाइव पिक्सल टू पिक्सल और हैश ई बी जीरो थ्री जीरो थ्री ठीक है तो ये हमारा की फ्रेमिंग हो जाएगी यहाँ पे इस तरीके से इसको मैं करता हूँ सेव और ये जीरो परसेंट पे है। आप देख रहे हो कि जीरो परसेंट पे इस तरीके से यहाँ पे ग्लो कर रहा है, है ना बट uh, अबे हमें क्या करना है कि जीरो परसेंट से हटा के उसको अब फिफ्टी परसेंट पर कैसा दिखाई देगा वो करना है तो इसके बाद मैं लूँगा फिफ्टी परसेंट तो यहाँ पे फिफ्टी परसेंट हो जाएगा अब गाइज यहाँ से आप की फ्रेम्स का यूज़ करके और एनिमेशन को यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हो मतलब बहुत सारे अमेजिंग काम कर सकते हो फिर इसको मैं रोटेट करूंगा ठीक है तो पहले क्या कर रहा था रोटेट हमने किया ही नहीं था जो हमारा नेचुरल फ्लो है सर्कल का वहीं से हम स्टार्ट कर रहे थे तो, तो इसलिए हमने वहाँ पर जीरो डिग्री लिखा था अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट जो है फिफ्टी uh, परसेंट पहुँचाने के लिए इसको वन एटी डिग्री कर देंगे ठीक है वन एटी डिग्री कर देंगे और फिर अगेन बॉक्स शेडो हम यहाँ पर लेंगे बॉक्स शेडो ले लेंगे बॉक्स शेडो क्या लेंगे वन पिक्सल फाइव पिक्सल एक्सल और होगा हैश वन फाइव वन एट बी ई ठीक है इसको किया मैंने सेव तो आप देखोगे कि इसका कलर यहाँ पे चेंज होने लगा है राइट ओके अब मैं इसको एक्जैक्टली exactly क्या करूंगा अब मैं इसको वापस से नहीं लिखूंगा उसको मैं एज एट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा फिफ्टी परसेंट के बजाय मैं इसको कर दूंगा हंड्रेड परसेंट ठीक है लेट मी क्विकली चेक इफ एवरीथिंग इज करेक्ट ठीक है वन एटी डिग्री हो गया रोटेट uh, करा ट्रांसफॉर्म करा बॉक्स बॉक्सो करा और फाइनली जो है ये इसको मैं ले लूँगा वन ज़ीरो डबल ई फोर जीरो इसको मैंने किया सेव तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह का एनिमेशंस मुझे यहाँ पे मिलने लगा है ठीक है तो ये सर्कल का जो एक डिफरेंट कलर्स का जो एनिमेशन है वो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अब एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ऐड करनी है लेट मी क्विकली गो अहेड एंड डू दैट तो ये क्या होगा कि मैं नीचे आऊँगा सर्कल नॉर्थ सिट्रकल सर्कल के पहले बिफोर ठीक है पोजीशन हो जाएगी एब्सोल्यूट ठीक है कंटेंट हो जाएगा लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा जीरो टॉप हो जाएगा ज़ीरो ओके okay. हाइट uh, हो जाएगी 100 परसेंट और वेथ हो जाएगी 100 परसेंट ठीक है अगेन बॉर्डर जो रेडियस है नॉट जस्ट बॉर्डर बॉर्डर रेडियस ठीक है पचास परसेंट बॉक्स शेडो यहाँ पे हो जाएगी जीरो जीरो फाइव पिक्सल फाइव पिक्सल आर जी बी हो जाएगा दो सौ चौदह दो सौ ग्यारह दो सौ ग्यारह और ज़ीरो पॉइंट थ्री ठीक है तो ये हमारा सर्कल बिफोर हो जाएगा और उसके बाद पैन हो जाएगा इस पैन को हम टारगेट करेंगे उसके बाद कलर हो जाएगा कलर हो जाएगा हैश एफ 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 फॉन्ट साइज हो जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी पिक्सल ठीक है और लेटर स्पेसिंग हो जाएगी यहाँ पे वन पिक्सल उसके बाद एनिमेशन हम यहाँ पे दे, दे देंगे तो बेसिकली हम यह टेक्स्ट के लिए कर रहे हैं ठीक है तो टेक्स्ट का ये जो एनिमेशन है वो हम दे, दे देंगे एनिमेशन हो जाएगा हमारा आ, टेक्स्ट नाम दे देंगे एनिमेशन का टू सेकेंड दे देंगे ईज इन आउट कर देंगे इन आउट कर देंगे ठीक है उसके बाद इनफेनाइट इन्फेनाइट कर देंगे तो बेसिकली इससे क्या होगा कि हमारा जो एनिमेशन है वो इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा लाइन हाइट यहाँ पे हमको देनी है दैट विल बी टू हंड्रेड पिक्सल ईयर ठीक है तो ये हमारी लाइन हाइट हो जाएगी अब यह तो हमारा स्पैन हो गया अब स्पैन में भी हम मुझे मल्टीपल कलर्स देने हैं ठीक है तो उसके लिए क्या करना होगा कि एट द रेट की फ्रेम्स में दूंगा टेक्स्ट, ठीक है और टेक्स्ट के बाद ज़ीरो परसेंट पे कलर अलग देना है मुझे ठीक है तो वो एफ 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 वाई ही देंगे हम और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ मतलब इसकी कॉपी कर लेता हूँ दो बार ज़ीरो परसेंट के बाद होगा फिर थर्टी थ्री परसेंट और 33 परसेंट के बाद होगा 66 परसेंट ठीक है तो 33 परसेंट पे जो कलर होगा वो हम देंगे ई सी फोर वन सिक्स फोर ठीक है और 66 परसेंट पे होगा टू फाइव डबल नाइन टू फाइव इसको किया मैंने सेव तो आप देखोगे कि ये मल्टीपल कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो है ये सर्कल का ये जो ग्लो है ये सिर्फ इतने इतने में दिखाई दे रहा है लेट मी क्विकली चेक कि मैं कहाँ पे यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ ठीक है जस्ट यू मे सैल्स मिस्टेक आई एम मेकिंग मेकिंगयर ओके गए सो देर इज़ अ मिस्टेक हेयर तो यहाँ पर मुझे रोटेट लगाना है उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म 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 की स्पेलिंग गलत है वन एटी डिग्री और अगेन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है ट्रांसफॉर्म और यहाँ पर हमें करना है थ्री सिक्सटी डिग्री ओके सो ये कुछ माइनर चेंजेस थे आप देखो ये अब सब कुछ यहाँ परफेक्टली दिखाई दे रहा है uh, मेरा जो टेक्स्ट है लेट मी क्विकली चेक वाई टेक्स्ट इज नॉट वर्किंग सो ओके यहाँ पे पचास परसेंट करना है सॉरी थर्टी थ्री परसेंट करना है और यहाँ पे करना है सिक्सटी सिक्स परसेंट तो ये मैंने अंडू करने में इसको भी uh, वो कर दिया था सो लेट मी फिक्स इट ई सी फोर वन सिक्स फोर ठीक है और उसके बाद फाइनली यहाँ पर टू फाइव डबल नाइन टू फाइव ठीक है इसको सेव कर लेता हूँ तो आप देखोगे कि ये मेरा लोडर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है इस तरीके का ये दिखाई दे रहा है और इट्स अ ब्यूटीफुल लुकिंग लोडर हियर इसको आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको आपकी वेबसाइट के लोड होने से पहले अगर आपको कुछ दिखाना हो तो ओके सो इट्स अ ग्रेट लिटिल टूल हेयर और ये इसका एच डी था तो दट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय